रंजना श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय कोट, ब्लॉक बड़ा गांव, झांसी से हूँ। सर्वप्रथम मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का, जिन्होंने हमें शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के लिए एक मंच प्रदान किया। श्री अरविंदो सोसाइटी के शून्य नवाचार के बारे में मुझे मेरी बड़ी बहन, जो प्रधान अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं, श्रीमती माला श्रीवास्तव, उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने झांसी में आयोजित एक दिवसीय TLM मेले में प्रतिभाग किया, जहां से मुझे अन्य नवाचार पता चले। तब मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मेरे विद्यालय में एक बहुत बड़ी कमी थी, सब कुछ अमूमन होती है सभी विद्यालय में, कि बच्चे कभी पेंसिल नहीं लाते हैं, कभी कॉपी नहीं लाते हैं और लिखने में बहुत ज़्यादा देर लगाते हैं। तो मुझे लगा कि इस समस्या का समाधान मैं कैसे करूँ। तब मैंने बच्चों के लिए एक गेम शो आयोजन किया, जिसका नाम था 1 मिनट शो। ये गतिविधि मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रही, क्योंकि जो बच्चे धीमी गति से लिखते थे उनकी गति बढ़ गई। उनको लगा कि मुझे 1 मिनट के अंदर लिखना है और मुझे जीतना है। तो उन बच्चों ने लिखना शुरू किया और इस गतिविधि को मैं बोर्ड पर 2 बच्चों को बुलाकर कराती हूँ, कभी कभी सामूहिक रूप से भी कराती हूँ और कभी कभी ग्रुप बनवाकर भी कराती हूँ। इस गतिविधि के द्वारा ये 60 सेकेंड्स मेरे 60 मिनट्स को बचा सकते हैं, क्योंकि बच्चा 1 मिनट में वो चीज़ लिख लेता है जो कि वो कई 10 मिनट 15 मिनट भी लगा लेता था उसको लिखने में। अब वो उस चीज़ को 1 मिनट में लिखने के लिए प्रेरित रहता है और वो जीतने के लिए आगे बढ़ता है। इस गतिविधि के द्वारा मुझे बच्चों की जो राइटिंग स्किल थी उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, बच्चे विषय को याद करने लगे क्योंकि उन्हें अगले दिन जीतना है, और बच्चों में जीतने की क्षमता का भी विकास हुआ। इसको गतिविधि को मैंने उन बच्चों पर अप्लाई किया जो पढ़ने में थोड़े कमजोर थे, जिन्हें विषय याद करने में परेशानी होती थी, अब वो रुचिपूर्वक ढंग से इसको याद करते हैं और लिखने की क्षमता भी उनकी विकसित हुई है। मैं एक बार पुनः धन्यवाद दूंगी HDFC बैंक और श्री अरविंदो सोसाइटी का, जिन्होंने शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के लिए हमें एक मंच प्रदान किया, जहां हम अपने नवाचार को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें और उन्हें सीख सकें। धन्यवाद।